लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का स्वागत है रेसल स्क्वायर रेज में और हम देखने वाले हैं एक इंटरजेंडर रेसलिंग मैच, जहां पर एक तरफ होंगी रेसल स्क्वायर की फीमेल रेसलर रिमी और उनके सामने होंगे क्रिस कुमार, जिन्होंने कुछ हफ्ते पहले डेब्यू करा था रेसल स्क्वायर में और जाते ही इन्होंने वेस्ट लॉक में उठा लिया है। काफी बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं रही है, लास्ट टाइम नील लेन को रिंग से उठा के पटका था, उसके बाद आज ही रिटर्न कर रहे हैं और स्टार्टिंग के अंदर ही डेमोंस्ट्रेट करना शुरू कर दी है रिमी ने दैट शी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल रेसलर ऑफ इंडिया और बहुत जबरदस्त तरीके से क्लोज लाइन कर दिया है यहाँ पर और हक्के बक्के रह गए हैं यहाँ पर क्रिस कुमार और अभी कॉर्नर में ले आ गए और ये बाहर फेंक दिया है रिंग से बाहर फेंक दिया है क्रिस कुमार को और अब देखना होगा कि क्रिस कुमार ये जो रिंग के बाहर घूम के आ रहे हैं कुछ प्लान बना के आए हैं या ये अभी भी डोमिनेट होते रहेंगे मैच में और इसी तरीके से हार का सामना करेंगे आज एक बार फिर से। और आते ही रिमी ने कंट्रोल में ले लिया और ये देखिए कैसे सेपरेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं बट इनका कोई भी आइडिया कामयाब नहीं हो रहा है। आज इन्होंने डेब्यू करा था जोरावर सिंह जम्मू वाले के साथ बट उनसे चीटिंग करना ये अभी तक नहीं सीख पाए। हाँ जी देवियों सज्जनों, ये बिल्कुल न्यू रेसलर हैं, मुझे लगता है इन्होंने मैच में पकड़ बनाने की कोशिश करी बट इनका जो सब कुछ था विफल कर दिया है रिमी की जो पावर है आज वो काफी शानदार तरीके से उन्होंने डेमोंस्ट्रेट कराया आप सभी को और ये मैच को जीती हुई रिमी और प्रूफ करती हुई अपने आप को यहाँ पर कि उनकी अगर फाइट किसी फीमेल रेसलर से हो या मेल रेसलर से हो वो पीछे नहीं रहने वाली और आज की विजेता रही है रिमी। देवी सज्जनों, अगर आपको ऐसे और मैच देखने हैं तो अभी कमेंट करके बताएं किसके साथ आप मैच देखने जाएंगे रिमी। Come and try it.